उसकी बेटी की दी हुई जिल्लत से अगर वो आज मर गया, कौन जिम्मेदार है इसका? गारंटी लेता है तू इसकी? जिस शख्स ने मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला है, आज मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि जब उसकी इज्जत पे हाथ गया है तो वो जीते जी कैसा लगता है। एक झलक देखनी है। चल चल, नहीं मैं कह रहा हूं चल, नहीं चल ना यार। नहीं मुस्तफा भाई, नहीं यार, सिर्फ वक्त नहीं है, झलक देखनी है उसकी। मेरा वादा है कुछ भी करके आज ही आपको उसकी झलक दिखाऊंगी। नहीं प्लीज जाओ। आप पेशेंट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। आपने तो हम सबको डरा दिया। क्यों आई है ये यहाँ? अगर तुम मुझे कुछ और दिन जिंदा देखना चाहती हो तो दोबारा ये यहाँ नजर ना आए। मैं तुमसे कह रहा हूँ आसिया। अस्मा तुम जाओ यहाँ से, आप परेशान मत हो, अपनी तबीयत को देखें। मेरा भाई ठीक तो है? बाबा ठीक है, शुक्र है खुदा का। तुमने तो हमें परेशान कर दिया था, ये अब रो क्यों रही हो? वो बाबा मुझसे नफरत करने लगे। तुमने उनका सर जो बुलंद कर दिया, खुदा तुम जैसी बेटी किसी को ना दे, सबको मुश्किल में डाल दिया। मम्मी चुप कर जाओ तुम, और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम कमरे से बाहर मत निकलो। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो अस्मा? भला मामू तुमसे क्यों नफरत कर रहे हैं? इससे मैं बाबा का गुस्सा और गलत फहमी समझ रही थी, तो मेरी सोच, मुझे लगता था कि मैं बाबा को समझा लूंगी, लेकिन बाबा तो मुझसे नफरत करने लगे। चलो कुछ नहीं था, सब ठीक हो। आओ। ऐसे कैसे अम्मा? 27 साल इस बदले को नासूर औलाद की तरह मां बन के गोद में पाल के रखा है। यूं 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 बस एक हार्ट अटैक होगा और मर जाएगा। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। अगर उसे मारना ही होता तो क्या मुश्किल था मेरे लिए। एक सेकंड में उसको लेकिन नहीं, उसे मरना नहीं है, उसे दर्द काटना है। इतना दर्द कि दर्द महसूस होना बंद हो जाए तो बस फिर मर जाए ना। इतना दर्द हुआ होगा ना आपको अम्मा, इतना मुश्किल फैसला होगा ये आपके लिए कि एक छोटा सा बच्चा
इकलौता बेटा किसके सहारे छोड़ के जाओगी? कितना दर्द दिया ना उसने आपको, कितना बड़ा फैसला कर लिया आपने, लेकिन मैं उसे इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा अम्मा। उससे पहले मैं मरूंगा, फिर वो मरेगा। अगर वो मर गया तो मेरा जीना किस काम का? तुम्हारी बात याद आती है अम्मा, जीना पड़ता है, कुछ बदबख्तों को जीना पड़ता है। बच गए हैं बड़े साहब। ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो बाबा के बारे में? मेरे मुंह में खाक, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो आपको ये बताने के लिए आया था कि बड़े साहब अब बिल्कुल ठीक है। जो बात मैंने की वो तो मेरे लिए थी, आपके लिए थी। होते हैं बहुत से बदबख्त जिनके पास बाकी की जिंदगी गुजारने का कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ एक वजह होती है, वो चाहते हैं कि उनके दामन पर लगा हुआ दाग धुल जाए। बदबख्त मतलब मैं, मतलब आप। कैसे धुलेगा ये दाग? हम बात पे यकीन करने के लिए तैयार हैं। कर लेंगे यकीन, मान जाएंगे आपकी बात, बस थोड़ा वक्त लगेगा, तवील है सफर, तो तवील है। हो सकता है 9, 10, 11, 12, 13 या 18 साल भी लग सकते हैं। बस इस सफर की तरफ बढ़ने के लिए सीढ़ी पे पहला कदम रखना होगा। एक छोटा सा मशवरा है मेरा बेगम साहिबा, अगर आप मान लें तो आपका फायदा होगा। खुद को बदबख्त मान लीजिए और जीती रहे, फिर देखिए क्या होता है। अल्लाह का शुक्र है बड़े साहब अब बिल्कुल ठीक है। हेलो, कैसी हैं आप? तुम्हारे साहब फोन नहीं उठा रहे। उसके बाद किसी खातून ने फोन उठाया। सब खैरियत है? नहीं, लेकिन अब खैर है। बड़ा सोच कर जवाब दिया। साहब को दिल का दौरा पड़ा है। अल्लाह खैर।
आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। कौन से हॉस्पिटल में है? मैं अभी आती हूँ। वो अस्पताल नहीं गए, पूरा का पूरा अस्पताल घर आया है, बड़े लोग हैं ना। मैं समझ सकता हूँ, ये वक्त ऐसा है, तीमारदारी का मौका जाया नहीं करना चाहती आप, लेकिन अभी वक्त नहीं है। मेरे इशारे का इंतजार कीजिए, जब इशारा करूं तो घर आ जाएगा। खुदा हाफिज। घबराएं, किसी ने नहीं देखा मुझे। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ मैं बेहतर हूं, लेकिन यहां अचानक कैसे? दवा तो मेरे बस में नहीं, दुआएं बहुत की हैं आपके लिए। दुआओं की वजह से ही तो बच गया हूं, वरना कब का मेरा काम हो गया होता। कुछ नहीं होगा आपको, कभी कुछ नहीं होगा। मेरी दुआएं आपको आपके बद से बदतर हालात में भी बचा लेंगी, लेकिन अमीन साहब मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूं। आपकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं है। आपकी ये हालत थी और मुझे पता भी नहीं चला, और जब पता चला तो आ भी नहीं सकी। कोई पूछता तो क्या कहती, कौन हूं मैं? ये सब नया नहीं है मलाइका, तुम जानती थी, तुम जानती हो। हाँ लेकिन अब मेरा दम घुटता है, मैं नहीं जी सकती ऐसे। यहां मेरी अयादत करने आई हो? कोई शक है आपको इस बात पर? देखो मलाइका, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। तुम जानती हो कि असमा की वजह से क्या हालात है, उसने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी है। जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, उन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, और जिन्होंने अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी उनको आपने कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? इसलिए कि आपकी तवज्जो हासिल कर सकूं। चलती हूं मैं, अपना ख्याल रखिए। Thank you.
कौन कौन हो तुम? सलाम दीदी। कौन है ये? ये वो नर्स है। नर्स जी। लग तो नहीं रही थी, यहाँ मेरे पास बता। नर्स तो चली गई थी ना मुरीद? जी बेगम साहबा। फिर ये कौन सी नर्स थी? पूछा मैंने उनसे, कहने लगी कि नर्स है, डॉक्टर साहब ने भेजा, कोई दवा बदलने के लिए आई थी साहब। हाँ, डॉक्टर ने नर्स के साथ साथ दवा भी बदली, इसलिए। वही मैं सोच रहा था साहब, साहब ऐसे किसी को घर के अंदर कैसे आने दे सकते हैं? सूप दो आपको। पानी। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, अच्छी खबर दी है उन्होंने। वो कहने लगे कि कल इन मशीनों से जान छूट जाएगी आपकी इंशाल्लाह। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी जान छोड़ता है। अल्लाह सब खैर करे। वालेकुम सादिया साहिबा। वालेकुम सलाम। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। किसी को भी मेरी बात पे यकीन नहीं आया। सारे सबूत सारे हालात मेरे खिलाफ है। मुझे तो लग रहा है कि कुदरत भी मेरे खिलाफ है। कुदरत जालिम नहीं होती, इंसान जालिम होता है। जब किसी को लगे ना कि उसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी उसे सजा मिल रही है, तो इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है। कभी कभी आपका कसूर नहीं होता, आपके किसी अपने का होता है, और उस अपने का मकाफात आपको घेर लेता है। असलों से यही दस्तूर चला आ रहा है। तुम पहली नहीं हो। जबरदस्ती मेरा निकाह घर के मुलाजिम से करना चाहते? वो ही नहीं सकता। जबरी निकाह की इजाजत ना तो कानून देता है ना मजहब। तुम इनकार कर दो। क्या है मैंने, लेकिन इन लोगों का फैसला आता है। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर ये अलग दौर है। अब माशरे में औरत की एक ताकत है। औरत अगर आवाज उठाए तो अनसुनी नहीं जा सकती। तुम अगर चाहो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, कभी भी आ सकती हो। मैं अपने बाप के खिलाफ कैसे आवाज उठाऊं? मेरी वजह से अपनी सारी जिंदगी बनाई हुई इज्जत खो चुके। इतनी हिम्मत नहीं है। फिर क्या सोचा है तुमने? मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या खुदकुशी या मुरीद से लेकर।
मेरा बच्चा किसी की भी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है निकाह। इस मौके पे मैं सिर्फ तुम्हें ये बता सकती हूँ कि खुदकुशी हराम है और निकाह हलाल। फिर भी अगर तुम अपना रास्ता बदलना चाहो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। खुदकुशी हराम और निकाह हलाल। बाबा मुझे आपका फैसला मंजूर है। मैं मुरीद से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
मैं आपसे ये कहने की हमाकत हरगिज नहीं करूंगा कि इसे अपना ही घर समझे। हकीकत में तो हमेशा से ये घर आपका ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यहां सिर्फ नौकर रहते थे और आज मालिक और नौकर दोनों इस घर के हिस्से में रहेंगे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि खामत के लहजे में आपसे कैसे बात करूं, इसलिए अगर आइंदा मेरे लहजे में नौकर आए तो पहले से माजरत। ये जो कुछ आपके साथ हुआ है ना, इसे देख के साफ साफ लगता है कि किसी ने इंतकाम लिया है। इंतकाम? इंतकाम की आंखें नहीं होती बेगम साहिबा, इसके रास्ते में जो आता है वो चला जाता है। मुझसे क्यों इंतकाम? नहीं, आपसे नहीं, आप तो रास्ते में आई और कुछ ली गई। किसने लिया इंतकाम, पर क्यों? पता नहीं, मैं क्या जानू, पर मैं ये बात जानता हूँ कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है और इस बात का बहुत दुख है मुझे। ने मुझ पर तरस खाया? नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आप पे तरस खाऊं, नौकर तो खुद काबिल तरस होता है। अजलों से ही दस्तूर चला रहा है बेगम साहिबा, नौकर सिर्फ इस्तेमाल होते आए हैं, पर मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने दिल से इस निकाह को कबूल नहीं किया, सिर्फ फर्जी सहा कहा है। निकाह अल्लाह के हुक्म से होता है, फर्जी नहीं होता। मैंने अपना शौहर तस्लीम कर लिया है, अपनी मर्जी से किया है। बेशक, मैं तो बस तस्लीम करने की वजह जानना चाह। पागल हूं ना, भूल जाता हूं कि नौकर की क्या चाहत। मुश्किल सवाल मत करो मुझसे, मुझे और अजियत में मत डालो। अजियत तो मुरीद का मुकद्दर है बेगम साहिबा, और ये बात मुझे बड़े अफसोस से कहनी पड़ रही है कि अब आप मेरे मुकद्दर के साथ जुड़ गई हैं। अजियत आपका भी नसीब है और इस बात की बहुत तकलीफ है मुझे। रास्ता बहुत लंबा है बेगम साहिबा, पर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपका कोई कसूर नहीं, आप बेकसूर हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, पर मेरा आपसे वादा है कि मैं असल बात सबके सामने लेकर आऊंगा, बस आपको जरा सब्र से काम लेना होगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं बाहर तख्त पे सो रहा हूं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक आवाज दीजिएगा। हम मुलाजिमों की नींद बहुत कच्ची होती है बेगम साहिबा, मालिक की एक आहट से आंख खुल जाती है। चलता हूं। मेरा नसीब तो देखें। ताब ने मेरे साथ को सजा कह के आपको दिया है, लेकिन मैं आपको सजा नहीं दूंगा। ये मुरीद तो खुद सजा काट रहा है।
अपने रास्ते में खुद कांच नहीं बिछाते बेगम साहिबा। ये काम दुनिया बहुत अच्छा करती है, अपने रास्ते में खुद बिछाए हुए कांच पे खुद मजबूरन चल के जाना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हटाऊंगा आपके रास्ते के सभी कांच, सभी कांटे। लगता है मैं बेगुनाह हूं। नहीं, मुझे यकीन है कि आप बेगुनाह हैं, क्योंकि मेरा दिल कहता है, मेरा दिल झूठा नहीं, सच बोलता है। आपको मेरा साथ देना होगा, जब तक आपकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। मैं जानता हूं कि मेरा साथ देना इतना आसान नहीं, मुश्किल है, पर जब तक आपकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, मेरा साथ दीजिएगा। मेरे दिल को एक धड़का भी लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे दुश्मन के साथ मिल जाए। कौन है तुम्हारा दुश्मन? कैसे भरोसा कर लूं आप पर? मैंने भी तुम पे भरोसा किया है। भरोसा नहीं किया आपने बेगम साहिबा, आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं। आराम से सो जाइए, रात बहुत हो गई है। और एक और जरूरी बात, आप और आपकी मर्जी दोनों मेरे गरीब खाने पे महफूज है। नाश्ता तैयार है बेगम साहब। आ जाइए। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था ना। तुम क्यों आई हो यहाँ? अपनी बदकिरदार बहन के घर? उसकी हालत देखने आई हूँ। देख ली? अब जाओ। हाँ देख रही हूँ, तरस आ रहा है आप पर, आपकी इस हालत पर। अब क्यों तरस आ रहा है? मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे तुम लोगों के साथ की जरूरत थी, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। जब मैंने सेवन क्वार्टर को अपना घर तस्लीम कर लिया, मुनीत को अपना शौहर मान लिया, लेकिन उसकी हकीकत भी जानकर आपको हैरत होगी कि कुछ भी आपका नहीं है।